नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F17 वर्सेस Realme Nazo 50 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F17 में 6.29 इंच जबकि Nazo 50 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F17 में 2.87 इंच जबकि Nazo 50 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो F17 में 0.29 इंच जबकि Nazo 50 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि F17 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो F17 में 163 ग्राम जबकि Nazo 50 में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि F17 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F17 में सुपर AMOLED जबकि Nazo 50 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F17 में 6.44 इंचेस जबकि Nazo 50 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F17 में 1080x2400 और Nazo 50 में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F17 में 85.95% जबकि Nazo 50 में 84.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F17 में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nazo 50 में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो F17 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Nazo 50 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F17 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Nazo 50 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F17 में Adreno 610 जबकि Nazo 50 में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F17 में Qualcomm Snapdragon 662 और Nazo 50 में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो F17 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Nazo 50 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F17 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Nazo 50 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो F17 में अप टू 256GB जबकि Nazo 50 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो F17 में Android V10 Q जबकि Nazo 50 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी F17 में 4015 mAh जबकि Nazo 50 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो F17 में 3 कलर्स जबकि Nazo 50 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F17 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,700 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नाजो 50 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो F17 में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Nazo 50 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F17 आगे है, मेन कैमरा में Nazo 50 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Nazo 50 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11 T5G है, दूसरा Tecno Power Neo है, तीसरा Infinix Note 11 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Echo Z5 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।